पंजाब के तरनतारन के सरहाली पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद बीडीडीएस की टीम ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। पुलिस स्टेशन में बीती रात रॉकेट द्वारा संचालित ग्रेनेड आरपीजी से थाने पर हमला किया गया था, जिसके बाद एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी। सरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी हमले के बाद भारतीय सेना की स्पेशल विंग की टीम आई थी। इस हमले के बाद डीजीपी ने बताया था कि प्राथमिक सूचना के मुताबिक ये सैन्य श्रेणी का ग्रेनेड है और संदेह है कि इसे सीमा पार से तस्करी कर लाया गया होगा। सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इस साल 200 से अधिक बार ड्रोन के सीमा पार से आने की घटना भी हो चुकी है, जिसमें से ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया गया था। इससे पहले मोहाली में भी इसी तरह का हमला किया गया था और रूस निर्मित बताया गया था। सीमा पार से हो रही इस तरह की हरकत से साफ है कि पड़ोसी देश भारत को चोट पहुंचाने की रणनीति के तहत इस तरह की साजिश रच रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी और पुलिस दुश्मन की हर चाल को विफल कर रहे हैं। जांच के मुताबिक आरपीजी की मदद से ग्रेनेड को शुक्रवार रात 11:22 पर अमृतसर भटिंडा राजमार्ग से दागा गया था।